बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं साहिबा बानो। चलिए रुक करते हैं झांसी की कुछ अहम खबरों का। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ के तत्वाधान में गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर इस्कॉन मंदिर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रृंगार आरती, दर्शन, गुरु पूजा, पंढरपुर धाम से परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी के प्रवचन का सीधा प्रसारण किया गया। गो पूजा एवं प्रसाद वितरण प्रातः से शुरू होकर अपराह्न तक चला। गोपाष्टमी पर इस्कॉन मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। गौशाला की भी साज सज्जा की गई। गौशाला में मौजूद गोवंश का विशेष रूप से श्रृंगार किया गया। इस दौरान राधा रानी के विशेष चरण दर्शन एवं राधा रानी के गोवेश के दर्शन कराए गए। बताते चले कि आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी गायों को चराना अर्थात गोचरण लीला प्रारंभ की थी। इसी क्रम में गायों का विधिवत पूजन मंदिर के मुख्य पुजारी अभय चरण विंददास ने कराया। कार्यक्रम के दौरान गोपाष्टमी पर्व के धार्मिक महत्व तथा उसके इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए मनुष्य के जीवन में गौ माता के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी गई। भगवान श्री कृष्ण की गोलीला के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए भक्तों को गौ माता के महत्व के बारे में अवगत कराया गया। मंदिर परिसर में सुमधुर कीर्तन नित्य मुकुंद दास ने किया। अंत में सभी का स्वागत करते हुए चरण सेवक पंडित पीयूष रावत ने आभार व्यक्त किया। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी? हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर हमें जरूर बताएं। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बुंदेलखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24।